नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से आई हुई लेटेस्ट रैली भर्ती 2020 के बारे में। इन भर्तियों की खास बात यह है कि ऑल इंडिया जॉब आ चुकी है, यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों से आवेदन किया जा सकेगा। बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो 8वीं और 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात की केवल और केवल पासिंग यानी कि 33% मार्क्स मांगा गया है। और यहाँ पर 8वीं पास वालों के लिए ट्रेड्समैन और 10वीं पास वालों के लिए सोल्जर और 12वीं पास वालों के लिए क्लर्क जैसी पोस्टों पर भर्तियां आ चुकी हैं। तो अगर आपका सपना है साल 2020 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का, और आप सभी लोग काफी सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी आखिर तक देखने के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक के साथ नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, यहां पर एज आपकी 17.5 से लेकर 23 साल तक की रखी गई, साथ में कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जिसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करेंगे। वेतन की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी के रूल के हिसाब से आपको स्टार्टिंग में 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक दिया जाता है। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि फौज और पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि आप लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं, जैसे कि फौज और पुलिस को ज्वाइन करके किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंडियन आर्मी डिफेंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज का आपका अगला क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपको पता होगा कि लगभग 8 सवाल मैंने आप सभी से पहले ही पूछ लिए हैं, और आप सभी लोगों ने इसके बहुत ही अच्छे राइट आंसर भी दिए हैं। कल का आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। और आज का जो अपना सवाल है, यहाँ पे 9वां नंबर आप लोग देख सकते हैं, वह देश जिसकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स समझौता किया गया। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 है अमेरिका, 2nd है इजराइल, और 3rd है रूस, और 4th नंबर है फ्रांस। तो आपको इनको चेकआउट कर लेना है और राइट आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पर जाकर आप लोग सरकारी नौकरी टाइप करेंगे, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल करिए। रजिस्टर करने के बाद जीमेल के माध्यम से आप लोग जो है तो लॉगिन करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग के साथ एक अच्छा सा रिव्यू यानी कि कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100K ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं और 4.5 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग भी है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट है। और सबसे पहले आप लोग यहां पे देखिए, यहां पर आपको रैली की डेट बताई गई है, साथ में यहां पे आपका जो है तो पूरा का पूरा अप्लाई करने का डेट भी बताया गया। आपकी जो रैली हो 27 अप्रैल से लेकर 12 मई 2020 के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। और यहां पे साफ साफ कहा गया कि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फोटोकॉपी लेकर रैली के स्थान में पहुंचना होगा। और यहां पे आपको जो अप्लाई करने का ऑप्शन है, यहां पे देख सकते हैं 27 फरवरी 2020 से लेकर 11 अप्रैल 2020 तक का यहां पे आपको टाइम दिया गया है। आप लोगों को यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के अंदर 17.5 से लेकर 21 साल की एज है, और 170 सेंटीमीटर की हाइट, 50 किलो का वजन, और 77+5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के साथ यहाँ पे आपका सीना चेस्ट है, और 10th पास यहाँ पे मांगा गया। पर सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की आपको मिल जाएगी, और सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन एग्जामिनर की पोस्ट, जहां पर 17.5 से लेकर 23 साल की एज है, और यहां पे हाइट 170, बाकी सारी चीजें सेम है। बस यहां पे क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है, वो भी 40% मार्क्स के साथ। इसके अलावा यहां पे सोल्जर टेक है, यहां पे आपको मिल जाएगा 17.5 से 23 की एज, और बाकी सारी चीजें यहां पे भी सेम होने वाली है। आगे हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर के बारे में। तो 17.5 से 23 साल की एज है, यहां पे हाइट कम कर दी गई है 162 सेंटीमीटर, और 10th+2 यानी कि केवल और केवल यहां पे 12वीं पास है, जो कि 60% के साथ, और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेड्समैन की पोस्ट है, जहां पर 17.5 से 23 साल, और बाकी यहां पे जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, और सारी चीजें सेम है। बस यहां पे 10वीं पास सिंपल आपका मांगा गया। साथ में एक और सोल्जर ट्रेड्समैन है, जहां पे 8वीं पास मांगा गया, यहां पे 17.5 से 23, और हाइट वगैरह सेम है। बस यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास मांगा गया, वो भी सिंपल। और यहां पे मेस कीपर और हाउस कीपर की पोस्ट पे आपको जो है तो जॉब प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एज में, हाइट में, चेस्ट में, वेट में रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। आपको फिजिकल के बारे में बताना चाहूंगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। ग्रुप फर्स्ट में आने के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 60 नंबर दिए जाते हैं, और इसके लिए आपको जो है तो ग्रुप सेकंड में आने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम, और इसके लिए आपको 48 नंबर तक दिए जाते हैं। पुलअप्स की बात करें तो 10 पुलअप्स करने पर 40 नंबर, 9 पर 33, 8 पर 27, 7 पर 21, और
6 पर 16 नंबर दिए जाते हैं। 9 फीट का डीच होता है और जिग जैग बैलेंस क्वालिफाई करना होता है। ये दोनों के लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, बस आप जान लीजिए कि क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट के आधार पर आपको रैली की साइट पर यहाँ पे बताया गया है कि दिया जाएगा एडमिट कार्ड। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और एफिडेविट स्टाम्प 10 रुपए का मिलेगा। यहाँ पे बनवा के आपको सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। अब सवाल आता है कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ लिंक मिलेगा, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि एफिडेविट कहाँ पे मिलेगा। जिस भी कंप्यूटर से ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करेंगे वो निकाल के आपको 10 रुपए में दे देगा। दोस्तों अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हो वहाँ पे दे दूंगा, तो आप लोग इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जैसे कि कब से लेकर कब तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री, आप लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाएंगे और फिजिकल मेजरमेंट के साथ क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें। सबसे नीचे आपको इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहीं पे मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए सरकारी नौकरी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।